नमस्कार, मैं फिर आप सब के सामने उपस्थित हो गई हूँ और देखिए समझ के कि मैं किचन में खड़ी हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारे प्यार। और आज जिनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कोई स्पेशल डे, उन सब के लिए मेरे तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं। लास्ट वीक ना, मैं जो ब्रेड उपमा आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, उसमें मैंने बोला था कि आज मैं नॉनवेज नहीं बनाऊंगी तो ये बनाती हूँ। तो मेरे एक दो बंगाली फ्रेंड का ये कहना था कि तुमने बोला नॉनवेज नहीं बनाओगी तो फ्रिज में प्याज कैसे डाल दिया, क्योंकि हम बंगाली में ना प्याज को भी हम नॉनवेज मानते हैं। ऐसे नॉट ओनली प्याज, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे मसूर दाल, ऐसे कुछ कुछ है जो हम नॉनवेज मानते हैं, बिकॉज साइंटिफिकली कुछ रीजन है तो इस तरह से वो बनाया गया है। खैर, तो वो दिमाग में रखते हुए ना मैंने सोचा आज मैं कुछ ऐसे बनाऊंगी जिसमें प्याज बिल्कुल नहीं होगा। तो आज मैं ये ना मेरा खुद का दिमाग से निकाला एक रेसिपी है, मैं बनाती हूँ। चलिए देखते हैं कि आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं। पहले रेसिपी देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। देखिए, ऐसे एक पूरा बैंगन लेके पहले इसको हाफ कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा ये रख लीजिएगा, उसके बाद इसको ऐसे लंबा लंबा काट लीजिएगा। जो मैंने ऑलरेडी काट चुकी, फिर आप लोगों को जस्ट दिखा रही हूँ, ऐसे काट लेना। फिर इसको एक ऐसे बड़ा सा कटोरा या जो भी लेके आप इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा चीनी, थोड़ा हल्दी डाल के 15 से 20 मिनट रख लीजिए। इसको ऐसे थोड़ी देर हम रख लेंगे ना, तो नमक से बैंगन का थोड़ा सा जो पानी ऐसे होता है वो निकल जाएगा, एंड चीनी लगाने की वजह से ना तेल कम लगता है बैंगन फ्राई होने से। तो ऐसे करके 15 मिनट रख लीजिए, फिर हम शुरू करेंगे। देखिए, गैस ऑन करके कढ़ाई रख लिया और इसमें तेल, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि राई का तेल और ऑलिव ऑयल मिक्स करके हम यूज़ करते हैं, वो तेल दे दिया। अभी जो बैंगन हमने रखा था वो इस पर फ्राई कर लेते हैं। जब तक बैंगन फ्राई हो रहा है ना, तब तक इधर हम थोड़ा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। देखिए, 2 चम्मच भर के दही ले लिया, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए अदरक लहसुन, धनिया पाउडर, और जैसे हम लोग कम खाते हैं ना मिर्ची तीखा, तो थोड़ा सा मिर्ची ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से ये सब लीजिएगा। थोड़ा सा हल्दी, और इसको बहुत अच्छा से मिक्स करना है। एंड नमक और चीनी ना हम लोग थोड़ा सा जब फ्राई करेंगे तब डाल देंगे, बिकॉज ऑलरेडी बैंगन में तो थोड़ा थोड़ा दिया है, तो एकदम थोड़ा ही चाहिए, तो कढ़ाई में दे देंगे। हाँ, देखिए बैंगन फ्राई करके इधर रख लिया, और अभी जो तेल बचा है उसी में थोड़ा कलौंजी डाल रहे हैं। और एक सूखा मिर्च दे रहे हैं। फिर जो दही हमने मसाला डाल के बनाया वो दही डाल देंगे और उसको अच्छे से फ्राई कर देंगे।
ये दही का कटोरा और जिसमें बैंगन था जिसमें हम नमक चीनी डाले थे वो दोनों थोड़ा सा पानी डाल के वो पानी भी इसमें दे देंगे। और जब भी दही का कुछ बनाएंगे ना उसको कांस्टेंट हिलाते रहना, नहीं तो दही फट जाता है। देखिए अभी वो दही का कटोरा धो के पानी डाल, वैसे तो बहुत ज़्यादा भूनने का ज़रूरत नहीं था पर थोड़ा सा हमने अदरक लहसुन दिया है ना तो थोड़ा सा भून लेंगे तो अच्छा स्मेल चला जाएगा। देखिए अच्छा से फ्राई हो गया, तेल भी छोड़ना शुरू हो गया, मतलब मसाला पूरा भून गया। अभी इसमें और थोड़ा सा पानी देंगे और बैंगन डाल देंगे। पहले हम लोग बैंगन डाल देते हैं फिर देख के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा पानी दे देते हैं। ये एक्चुअली बहुत वो ग्रेवी ऐसा नहीं रहेगा, बहुत ही गाढ़ा जस्ट बैंगन के साथ मसाला थोड़ा लग जाएगा तो ही टेस्ट आता है। अब एकदम थोड़ा सा हम पानी डाल रहे हैं, बस बन गया। तो अभी हम लोग प्लेटिंग करके आप पेपर दिखा देते हैं। देखिए अभी प्लेटिंग कर दिया हमने और ऊपर धनिया पत्ता थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए और टेस्ट के लिए भी थोड़ा सा तो फर्क होता ही है तो थोड़ा सा धनिया पत्ता दे दिया। एंड मैंने थोड़ा सा ऐसे ही टेस्ट करके देख लिया, बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मैं भी पहली बार और अपने हिसाब से एक इन्वेंशन किया तो पता नहीं था अच्छा होगा कि नहीं लेकिन बहुत टेस्टी बना। आप लोग बना के देखिए। देखा आप लोगों ने, एक्चुअली ये मैंने ही सोचा कि प्याज के बगैर कुछ बनाती हूँ पर इसमें थोड़ा सा मैंने गार्लिक दिया है लहसुन। अगर आप लोगों को किसी को अगर ऐसा लगता है कि वो भी नहीं देना चाहते हो, मतलब नॉन वेज में अगर लहसुन आता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं ना 22 साल की उम्र में मेरी शादी हुई तब तक मैं बंगाल में थी और तब तक मैं किचन में कभी गई नहीं, और जब मैं खाना बनाना सीखी तो मैं बंगाल के बाहर सीखी तो थोड़ा बहुत यहाँ के नेचुरली वो आ ही जाता है। तो वो आप अपने हिसाब से थोड़ा लहसुन को देख लीजिए, पर यहाँ ना प्याज लहसुन अगर नहीं डालते तो उसको स्वात्विक भोजन कहते हैं, मतलब जो भगवान को भोग लगाते हैं ना तो उसमें नहीं डालते और फिर जैन लोग नहीं खाते ऐसे है, पर यहाँ नॉर्मली प्याज लहसुन ये सब वेजिटेरियन में आता है तो इसलिए आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। पर हाँ रेसिपी जो मैंने बताई, क्योंकि बैंगन एक ऐसे सब्जी है ना, मुझे उसका मतलब फ्राइड बैंगन जो हमारे बंगाल में बोलते हैं बेगुन भाजा वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अदरवाइज नॉर्मली सब्जी में मुझे बैंगन उतना अच्छा नहीं लगता। पर ये जो आज मैंने बनाए ना वो आप खा के देखिएगा, जिन लोगों को बैंगन पसंद नहीं है उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और चावल के साथ ये तो एकदम बहुत अच्छा लगता है। पर फिर आपके ऊपर है कि आप किसके साथ किस तरह खाना चाहते हैं। और क्योंकि मैंने बताई, आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है तो मैंने इसलिए मिर्ची इसमें बहुत कम दिया, ना के बराबर। तो आप लोग अगर
लगता है, लगता नहीं लगेगा ही, तो थोड़ा सा मिर्ची ज़्यादा इसमें डालिए तो और टेस्ट होगा, मतलब ये थोड़ा सा चटपटा होगा तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट करिए। आज इतना ही। माई चैनल शेड्स ऑफ लाल विद मॉली, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, कमेंट तो ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर न्यू एनर्जी लेके मैं आप सबके सामने उपस्थित हो जाती हूँ। तो फिर मिलेंगे, आज इतना ही, नमस्कार।